तो इस वीडियो में आपको लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ जियो का नया आईपीएन सेटिंग्स। ठीक है, तो आप ज़्यादातर लोगों जियो ही सर्विस यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोगों को शायद यूट्यूब स्ट्रीमिंग या फिर गेमिंग के टाइप पिंग ड्रॉप या बफरिंग तो देखा ही होगा। यूट्यूब स्ट्रीमिंग में, गेमिंग में लेटेंसी का प्रॉब्लम, पिंग ड्रॉप बहुत ही आता है। तो कैसे आप जियो का स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ये वीडियो में मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा नया सेटिंग्स जियो का, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपका मोबाइल में सेटिंग्स में जाइए। तो सेटिंग्स में जैसे मेरे यहाँ पे है सेलुलर नेटवर्क, और बाकी लोगों के मोबाइल में मोबाइल नेटवर्क हो सकता है या फिर सेलुलर नेटवर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो जाइए वहाँ पे जाके फिर आपका जो सिम होगा, मेरा तो दोनों सिम ही जियो है, आपका जो जियो सिम होगा उसमें जाइए। ठीक है, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एपीएन बोल के लिखा होगा, एक्सेस पॉइंट नेम। ठीक है, इस पे आपको टैप करना पड़ेगा। ये टैप करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो एपीएन होता है यहाँ पे है, मेरे यहाँ पे दो है। पहला वाला जो जियो 4G है वो तो डिफ़ॉल्ट है, सभी को आता है ये वाला सिम लगाने से ही। और आज जो बताने जा रहा हूँ नया एपीएन सेटिंग्स, तो ये रहा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरा ऑलरेडी है इसलिए दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों के पास तो नहीं होगा, तो आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा, आप यहाँ पे प्लस साइन या न्यू एपीएन बोल के होगा, वहाँ पे जाइए, टैप कीजिए, नया एपीएन का पेज क्रिएट हो जाएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, जब आएगा तब वहाँ पे नेम ब्लैंक रहेगा, एपीएन सब ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो नेम पे आपको क्या डालना पड़ेगा, जियो 4G LTE। ठीक है, जियो 4G LTE, इसमें आप देखिए जियो का जे कैप्स में होगा, 4G कैप्स में होगा, और LTE पूरा कैप्स में होगा, फिर सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको APN डालना पड़ेगा, APN क्या होगा, जियो नेट। ठीक है, जियो का जे कैप्स में होगा, नेट का N कैप्स में होगा, और दोनों के अंदर एक स्पेस होगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉक्सी छोड़ दीजिए, पोर्ट छोड़ दीजिए, नॉट सेट रहेगा, यूज़र नेम भी छोड़ दीजिए, बहुत लोग तो देखते हैं यूज़र नेम देते हैं, यूज़र नेम कभी मत डालिए, नॉट सेट में रखिए, पासवर्ड नॉट सेट। सर्वर आएगा, सर्वर में आपको www.google.com डालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई कैप्स नहीं, सब स्मॉल में होगा। उसके बाद वो लिख के सेव कर दीजिए, बा ओके कर दीजिए। MMAC, MMS प्रॉक्सी सब छोड़ दिए, MS पोर्ट ये सब छोड़ दिए, MCC और MNC ये आपके लोकेशन के हिसाब से आता है, ये कभी भी छेड़खानी मत कीजिए। ठीक है, ये छोड़ दीजिए जैसा है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप आएगा, इसमें आपका टैप करने के बाद ये ऑप्शन आता है। ठीक है, इसको आप चैप सिलेक्ट कीजिए, CHAP चैप। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको आएगा फिर APN टाइप, APN टाइप में सिर्फ डिफ़ॉल्ट टाइप कीजिए। ठीक है, नॉट सेट रहता है उसमें आपको डिफ़ॉल्ट टाइप करना पड़ेगा, टाइप करके सेव। डिफ़ॉल्ट का पूरा स्मॉल में होगा देखिए। ठीक है, उस पे वो होने के बाद फिर APN प्रोटोकॉल आएगा। APN प्रोटोकॉल में आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों ऑप्शन आएगा, IPv4, IPv6। ठीक है, आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो IPv4/IPv6 होगा। ठीक है, वो दोनों में से कोई भी लेगा, APN रोमिंग प्रोटोकॉल, IPv4, IPv6, ये सब होता है आपका स्पीड के ऊपर। ठीक है, ये जो स्पीड आता है, बूस्ट होता है आपका नेट, ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और जो मैंने ऑथेंटिकेशन टाइप दिया है ये चैप दिया है। ठीक है, ये कभी भी पैप मत कीजिए, ये चैप कीजिएगा, ये वाला जो चैप। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टाइप, तो APN रोमिंग प्रोटोकॉल तो हो गया। उसके बाद आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट बेयरर, बेयरर में आपका अनस्पेसिफाइड लिखा होगा। ठीक है, वो वाला क्लिक कीजिए। ठीक है, अनस्पेसिफाइड को डीसेलेक्ट कीजिए, ये चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स को आपको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, अनस्पेसिफाइड। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा LTE, HSPAP, जो HSPA का एडवांस वर्शन है HSPAP, फिर HSPA को सिलेक्ट कीजिए, HSUPA को सिलेक्ट कीजिए और HSDPA को सिलेक्ट कीजिए, पांच सिलेक्ट कीजिए। ठीक है,
फिर ओके करके निकल जाइए, या फिर ओके नहीं रहेगा तो ऐसे बैक कर दीजिए। आपको दिखना पड़ेगा बाहर आके कि यहाँ पे पांचों नाम दिखा रहा है, ठीक है, हो गया। फिर नीचे ये और कुछ नहीं है, ये छोड़ दीजिए, नीचे कोई भी टच मत कीजिएगा, ये हो गया पूरा, देख लीजिए। ये होने के बाद सेव कर दीजिए बस। देखिए सेव होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा 4G बोल के आएगा, ये मेरा पहला सिम है तो पहला वाला आ जाएगा। देखिए फुल टावर है, 4G, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जियो 4G LTE होगा आपका नेम, और ये PIN जियो नेट ये है, ठीक है। ये सेकेंड वाला, ये आपको सिलेक्ट कीजिए। अभी कोई भी गेमिंग खेलिए, पबजी हो, मोबाइल लेजेंड हो, कुछ भी कीजिए, यूट्यूब में स्ट्रीमिंग वीडियो देखिए, कोई HD फुल HD में एकदम भी नहीं होगा। नॉर्मली आपको कैसा स्पीड मिलेगा, 10 MBPS तो आराम से मिल जाएगा, और अच्छा नेटवर्क में आएगा तो आपको तो 20 MBPS तो मतलब आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, देख।